Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 9, that is the living organisms and their surrounding of class 6. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग के बारे में हमें इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ना है कि कैसे कैसे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आजू बाजू में कैसा नेचर होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से घुल मिल लिए हैं वो सब. सो वो सब के बारे में हमें पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्होंने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में ढाला हुआ है. सो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है. और जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट होता है जिस प्लेस में कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स रहता है और उस प्लेस के एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे. और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वो एनवायरनमेंट के अंदर वो सूटेबल है कि वो सर्वाइव कर पा रहा है अच्छी तरीके से, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन. कि उसने क्या कर लिया है, अपने अंदर ऐसी आदतें बना ली है कि चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट उधर क्रिएट हो तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके पूरी अच्छी तरीके से. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है. और वही अगर डेजर्ट एरिया में देखें तो वहाँ पर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा हॉट प्रेजेंस रहता है. तो अगर हॉट प्रेजेंस वाले लोगों को वहाँ पर जो डेजर्ट में, जो राजस्थान एरियाज में जो लोग प्रेजेंट रहते हैं, वो लोगों को अगर, वो पर्सन्स को अगर हमने क्या कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर में उनको शिफ्ट कर लिया, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी. स्टार्टिंग डेज में उनको बहुत ज़्यादा आदत बनानी पड़ेगी, उनको स्वेटर्स पहनने पड़ेंगे, जैकेट्स पहनने पड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए. पर अगर वो लोग वहाँ पे रह जाए तो उनको आदत पड़ जाएगी उस सारी चीज़ों की. तो वो एनवायरमेंट क्या हो गया, हैबिटेशन हो गया. और उन्होंने वहाँ पे जाकर अपने आप को उस एनवायरनमेंट में घुल मिल लिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एडेप्टेशन बोला. और वहीं अगर जम्मू एंड कश्मीर में जो पीपल्स रहते हैं, अगर उनमें से दो चार जनों को हमने डेजर्ट एरिया में लेकर आ गए, तो उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा उनके बॉडी में से. सो वो एनवायरनमेंट जो था उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा एडेप्ट करने के लिए, उनको आदत बनाने के लिए उसको टाइम लगेगा. तो वही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं. तो यही हमको पढ़ना है ये पूरे चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन्होंने अपने आपको किस तरीके के, उनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस वजह से वो लोग कोई भी एनवायरनमेंट में, और कैसे कैसे एनवायरनमेंट में ही वो लोग हमें देखने को मिलेंगे. जैसे पोलार बियर ले लो, पोलार बियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फर प्रेजेंट होता है, तो वो फर की वजह से क्या होता है, वो लोग ठंडी के टाइम पे, ठंडी के एनवायरनमेंट में वो लोग अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं. वेयर इज ब्राउन बेयर जो रहते हैं, अगर उनको अगर हमने क्या कर दिया, एकदम बर्फ़ वाली जगहों पे छोड़ दिया, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडप्ट करने के लिए. तो वो सारे चीज़ें जो हैं वो अगर जिस एनवायरनमेंट में अगर हम सूटेबल हो जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन, और वो एनवायरनमेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिटेशन. सो हम ये वाले चैप्टर को थोड़ा पढ़ेंगे बराबर कि एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेशन क्या होता है. द प्लेस वेयर लिविंग बींग लीव इज कॉल्ड एज हैबिटेशन. जो भी एनवायरनमेंट में, जिस प्लेस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग जो है सर्वाइव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिटेशन बोलेंगे. जैसे कि हमारा घर ले लो, हमारे घर में हम रहते हैं, तो हमारा घर क्या हो गया, हमारे लिए हैबिटेशन हो गया. और वही जो घर है वो कहाँ है, जैसे कि जो भी स्टेट में है, जो सिटी में है, वो हमारा क्या हो गया, हैबिटेशन हो गया. प्लांट टू लिव इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट. और अलग अलग प्लांट्स जो रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स जो रहते हैं, वो अलग अलग कंडीशन पे ही रहना पसंद करते हैं, अलग अलग कंडीशन पे ही रह सकते हैं, अलग अलग उनमें हैबिटेशंस देखने को मिलता है. जैसे कि अगर एप्पल रहता है, एप्पल ठंडी के, जो उनको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए, तो वो कोल्ड एनवायरनमेंट में ही ग्रो हो सकते हैं. वेयर एज कैक्टस रहते हैं, कैक्टस को क्या रहता है, वाटर जो रहता है उनको कम चाहिए रहता है, तो वाटर जहाँ पे उनको कम मिलेगा वो लोग
वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। सो वैसे टाइप का जैसे प्लांट को सर्वाइव करने के लिए हैबिटेशन चाहिए, वैसे ही जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के हैबिटेशंस होते हैं, और अगर वो उस एनवायरमेंट में अपने आप को सूटेबल करवा ले तो देन इट इज़ नोन एज टू बी एन एडेप्टेशन। The feature or characteristics which makes an animals or a plant better suited to the environmental conditions, then it is known as to be an adaptation. जो भी environment में कोई भी जैसे भी type का features हो, plant का हो, चाहे animal का कैसा भी feature हो, characteristics हो, अगर वो कोई भी environment में अपने आप को suitable करवा रहा है तो that is known as to be an adaptation. आदत डलवाना तो दैट इज़ नोन एज टू बी एन एडेप्टेशन। तो इसी एडेप्टेशन के साथ में हम कैमल के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैमल में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से हम उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, कि वो डेजर्ट में हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, उनमें ऐसा क्या प्रेजेंट है, कि उनका जो हम्प है बैक में वो क्या उनका क्या रोल प्ले करता है, और वो क्यों सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में ही हमें कैमल क्यों हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं उसको, बाकी के एनिमल्स को क्यों नहीं बोलते। बिकॉज ये सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है कि क्यों कैमल को ही हमने शिप ऑफ डेजर्ट बोला है और बाकी के एनिमल्स जो रहते हैं वो डेजर्ट में क्यों नहीं देखने को मिलते। कैक्टस भी है, कैक्टस के बारे में भी हमें पढ़ना है। Now, they has adapted and developed mechanism to live in hot weather. उनके बॉडी में ऐसे adaptation उन्होंने ले लिए हैं ताकि वो क्या कर सके, बहुत ज़्यादा hot weather में भी अपने आप को ढाल सके, अपने आप को वहाँ पे work, अपना जो function है वो perform कर सके। जैसे कि उनके पास क्या होते हैं, लंबे लंबे leg होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गर्म रेत होती है desert के जो sand होती है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा hot होता है, तो उनकी जो बॉडी रहती है वो यहाँ रहती है, और उनके जो पैर होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होने के वजह से वो सैंड से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखते हैं, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनको ज़्यादा हीट जो है उनके बॉडी तक जाती ही नहीं है, और जिस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। They has adapted. Now, legs are long which helps to keep the body away from the heat of the sand. जो sand है, गरम गरम sand है, उनकी body को वो दूर रख सके, इसीलिए उनके पास में क्या है, लंबे लंबे leg present है. It feels have thick large soles making it suitable for walking on the sand. और उनके जो पैर होते हैं उनके नीचे एकदम ऐसे पैड प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वो सैंड पे इजीली वॉक कर सकते हैं। वेरेज अगर ये जैसे मेरा हैंड है, हैंड के बीच में गैप्स प्रेजेंट है, ये गैप्स में क्या हो जाएगा, सैंड जो है वो निकल आ जाएगी और मेरा जो हैंड है वो अंदर धंस जाएगा, तो इस वजह से मैं बराबर उस पर वॉक नहीं हो सकता है। वेरेज जो कैमल होते हैं, कैमल के जो फिट होती है, पैर होते हैं, उसके जो पोर्शन होते हैं उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम सोल प्रेजेंट है, फिट दैट इज पैड प्रेजेंट है, जिस वजह से वो इजीली सैंड पे वॉक कर पाते हैं, और इस वजह से ही हम कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो इजीली सैंड पे वॉक कर सकते हैं। When water is available, the animal can drink a large quantity of water. अब जब भी उनको water मिले तो वो पूरा एक बार में water पी लेते, that is 12 to 15 liters of water जो है वो एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं, एक बार में वो पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, और वो water को अपने हम्प पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कभी भी अगर उनको water की अगर ज़्यादा उनकी बॉडी को ज़रूरत होगी तो वो water उसको वो रीयूज करके पी सकते हैं। फोर्थ है, अ कैमल कैन गो ऑन विदाउट फूड एंड वाटर टू एट द स्ट्रेच फॉर एज मैनी एज 10 days. अब जो डेजर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, हम कहीं पे भी जाएं हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा हम रास्ता भटक जाएंगे, तो ऐसे कंडीशंस में जो बाकी के एनिमल्स होते हैं उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। वेयर एज कैमल में एक ऐसा फीचर होता है कि जो कैमल है वो फूड और वाटर के बिना भी वो सर्वाइव कर सकता है, लास्ट में कितने दिन तक, 10 days तक। तो इस वजह से ही हम जो है कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, कि क्यों, बिकॉज वो फूड और वाटर के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, तो हम कितना भी लॉन्ग रास्ता हो हम चल सकते हैं।
फिफ्थ है दैट इज़ इट पासिस आउट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन. अब यूरिन जो होता है टॉयलेट उनके जो बॉडी में से जो वो टॉयलेट रिमूव करते हैं बहुत लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है. बिकॉज अगर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए उनके बॉडी में से ही लेस अमाउंट ऑफ यूरिन निकलता है. वेयर एज डंग इज़ ड्राई. डंग जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं पॉटी, तो वो जो डंग है वो कैसा होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उनमें वाटर जो है वो कम होता है, स्वेटिंग डज नॉट अकर और उनके बॉडी में से पसीना नहीं निकलता, जिस वजह से ही वो क्या कर सकते हैं हॉट वेदर में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं. और इसी की वजह से हम कैमल को क्या बोलते हैं दैट इज सिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. अगर आपको कैमल का आंसर आए राइट द एडेप्टेशन ऑन द कैमल देन यू कैन राइट दिस ऑल द 5 points एंड यू विल score very well marks. So thank you, we have completed with the camel. In next lecture we will be discussing about the desert mein jo cactus ke